वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के चलते पीएम ने पूरे प्रदेश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू का आदेश दिया है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के चलते लॉकडाउन वह जनता कर्फ्यू के कारण रोजमर्रा वाले मजदूरों का बुरा हाल हो गया है। गरीब बेसहारा हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा रिक्शा चालक और मजदूर अपने परिवार का पेट पालने में असहाय बन गए हैं और भूखे सोने पर मजबूर हैं। अब इनके लिए समाज सेवी संस्थाएं मसीहा बन सामने आ रहे हैं। रमा यादव और कैंट थाने के पुलिस एक नई पहल शुरू की है। सभी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनके हालचाल ले रहे हैं और बस अड्डे व सड़कों पर सो रहे गरीब बेसहारा लोगों को खाना वितरित करा रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि बिना खाना खाए कोई भी गरीब ना रह जाए। से रूल्स का पालन हो रहा है? करीब यहाँ 1000 की संख्या में है और करीब 100 परिवार हैं यहाँ, और इनको जो है एनजीओ के माध्यम से आज खाने पीने की सामग्री और फल गाइडलाइन ये दिया गया कि ये दूर दूर रहेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, हाथ साफ करते रहेंगे साबुन से। क्या इनको कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए पुलिस प्रशासन? हाँ, कोरोना बचाव से सुझाव दिए गए कि आपस में खुले मिलेंगे नहीं, दूरी बना के रहेंगे। हम लोग साथ आते हैं यहाँ, 700-800 लोगों को हम लोग को जानकारी हुई कि यहाँ पे लेबर और ये मजदूर यहाँ पे रहते हैं जो अपने घर नहीं जा पाए, अपने गांव नहीं जा पाए। इनका हम लोग जो है चंदा और प्रशासन की मदद से और कुछ भाई लोगों से लेकर के जो है मदद जो है इनका खाना बनवाया जाता है और प्रशासन द्वारा आ करके यहाँ पे बंटवाया जाता है 700-800 लोगों का। जो सरकार गाइडलाइन कोरोना वायरस को लेकर दिया गया, कोरोना वायरस के लिए ये है कि हाँ इनको जो है 1 मीटर की दूरी बना करके, ये अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, इनको दूरी बना करके जो है 1-1 मीटर की दूरी पे इनको दिया जाता है। प्रशासन के साथ रहते हैं, कोई उपद्रव नहीं होता है और ये लोग भी समझदार हैं, ये लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और तरीके से ये लोग भी जो है उसका पालन कर रहे हैं और हम लोग भी जो है इनको समझाते हैं। मैं रमा यादव, लालती देवी पार्षद माता जी हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब